जनपद के नवागत एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा ने मंगलवार को अपने कार्यालय में पहुंचकर कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद रिजर्व पुलिस लाइन के सभागार में मीडिया से रूबरू होते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा ने कहा कि जनपद में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्य किया जाएगा तथा जन सुनवाई में आए हुए फरियादियों का न्याय संगत के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जो कार्य नहीं हो पाएगा या अन्य विभाग से होगा तो उसकी सूचना मौके पर फरियादियों को दिया जाएगा। एसएसपी ने कहा कि जनपद के सभी थानों पर जनता से समन्वय स्थापित कर कार्य किया जाएगा और ट्रैफिक व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि महिला संबंधित शिकायतों का शीघ्र निस्तारण हो इसका पूरा प्रयास होगा तथा महिला हेल्प डेस्क को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। एसएसपी ने कहा कि शासन के द्वारा जारी निर्देशों का 100% पालन करवाया जाएगा और साइबर अपराध को रोकने के लिए लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भूमि विवाद मामले को थाना दिवस और तहसील दिवस पर निस्तारण का प्रयास किया जाएगा। जो भूमि विवाद वर्षों से चले आ रहे हैं उसको चिन्हित करके समय से निस्तारण किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नवागत एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा ने कहा, महिलाएं बालिकाएं
बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, कमजोर वर्ग हैं समाज के, उनकी सुरक्षा ये प्राथमिकता है हमारी। ट्रैफिक एक ऐसा चीज़ है जो हर जन सामान्य को प्रभावित करता है, आते जाते प्रतिदिन की समस्या है। तो ट्रैफिक पे हम प्रयास करेंगे कि और बेहतर काम करें और बेहतर नतीजे आपको दे पाए, ये प्रयास रहेगा। साइबर क्राइम के संबंध में अभी हमारे माननीय DGP महोदय ने 2 माह का साइबर जागरूकता अभियान भी चलाया है और इसमें हम प्रयास करेंगे इस अभियान को और तेज़ी से लोगों को जागरूक किया जाए और जो भी साइबर अपराध है उसमें कमी लाई जाए, लोगों को जागरूक भी किया जाए और जो अपराधियों को पकड़ा जा सकता है उसको पकड़ा भी जाए, ये हमारा प्रयास रहेगा। साथ ही जो जन सुनवाई है, जनता से व्यवहार है, उसमें इम्प्रूवमेंट का पूरा प्रयास होगा कि जनता से ठीक से बात हो, व्यवहार अच्छा हो और उनकी जो समस्या है भली भांति सुनी जाए और जो विस्तार होने लायक है वो किया जाए और जो न होने लायक है वो उनको बता दिया जाए स्पष्ट रूप से कि ये काम नहीं हो सकता हमसे, ताकि उसको भी पता रहे और जो किसी अन्य विभाग से संबंधित है तो ये भी बताया जाए कि किस विभाग से काम होना है, किस अधिकारी कहाँ बैठते हैं, कहाँ कार्यालय है, ये भी उनको गाइड किया जाए, तो ये प्रयास किया जाएगा। महिला अपराध को लेकर पुलिस संवेदनशील रहे, महिलाओं की फरियाद को सुनी जाए, महिला हेल्प डेस्क है उसको और प्रभावी बनाया जाए, जो अभी कोविड की समस्या चल रही है उसको लेकर प्रभावी कार्यवाही की जाए ताकि आने वाले समय में इसका दुष्प्रभाव और ना बढ़े, ये प्रयास हमारी तरफ से किया जाएगा। साथ ही जो प्रतिदिन की समस्याएं हैं जनता की वो सुनकर जो भी महत्वपूर्ण समस्याएं सामने आती हैं उनको उसी वक्त तुरंत मौके पर जितना निस्तारण संभव है वो निस्तारण किया जाए, इसके लिए शासन द्वारा तहसील दिवस, थाना दिवस भी चलाया जा रहा है, उसको और प्रभावी किया जाए। जो हमारे नीचे के कर्मचारी हैं उनको काम भी दिया जाए, उनसे काम भी करवाया जाए, उनके वेलफेयर का भी ध्यान रखा जाए, उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए, जितनी भी सहयोग पुलिस विभाग की तरफ से हमारे अधीनस्थों को जो वेलफेयर हो सकता है वो पूरा उपलब्ध करवाया जाए, इसका प्रयास रहेगा। और साथ ही जो हमारे पत्रकार बंधु हैं उनका भी योगदान समय समय पर लिया जाएगा, क्योंकि आप जनता के बीच रहते हैं, आप बुद्धिजीवी वर्ग हैं, आपको जन सामान्य की समस्याओं की जानकारी है और ना सिर्फ समस्याओं की जानकारी है बल्कि कई बार मेरे अनुभव से ये मुझे लगा है कि आपको समाधान भी पता होता है, तो समाधान का भी सुझाव आपसे लिया जाएगा, आवश्यकता जब आएगी तो आपको बिल्कुल आपके समाधान को सुझाव को ध्यान में रखते हुए पुलिस की कार्यवाही की जाएगी और प्रयास यही रहेगा कि आने वाले समय में गोरखपुर पुलिस आपको और भी अच्छी सेवाएँ दे सके और ये आपको महसूस भी हो, ये हमारा उद्देश्य रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन की जो दिशा निर्देश हैं उसके अनुरूप पूर्णतः पुलिस कार्यवाही करेगी और जो न्याय संगत है, निष्पक्ष है, पारदर्शी है वो किया जाए हर स्तर पर, ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। जी, गोरखपुर पुलिस अपराध नियंत्रण पर प्राथमिकता के रूप में काम करेगा, कानून व्यवस्था बनी रहे इसके लिए काम करेंगे, प्रयास किया जाएगा कि जो पारदर्शी निष्पक्ष रूप से कार्यवाही की जाए और त्वरित रूप से कार्यवाही की जाए, जो जन सुनवाई में लोग आते हैं उनका जो काम न्याय संगत है, विधिक है, वो तुरंत किया जाए और जो विधिक नहीं है या संभव नहीं है उनको सूचना दी जाए। यदि किसी अन्य विभाग से या किसी अन्य जगह से उनके काम को होना है तो इस बारे में भी उन्हें गाइड किया जाए, निर्देशित किया जाए। व्यवहार थानों पर अच्छा हो पुलिस का, जन सामान्य से पुलिस का तालमेल बेहतर हो, संवाद बना रहे सभी पक्षों से, सभी विभागों से पुलिस का, ये प्रयास किया जाएगा। और साथ ही साथ जो जन सामान्य की समस्याएं हैं जैसे ट्रैफिक है, इस पर भी कार्य किया जाएगा और इनको सेवाओं को और बेहतर बनाया जा सके इसमें प्रयास किया जाएगा। साथ ही प्रयास होगा कि जो कमज़ोर वर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, इनके लिए और अच्छी त्वरित कार्यवाही निष्पक्ष रूप से, प्रभावी रूप से पुलिस कर सके, सुरक्षा का आभास इनको दे सके। माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन की जो निर्देश हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर हम पूर्ण कर सकें, साइबर अपराध पर नियंत्रण कर सकें, ये सब हमारी प्राथमिकताएँ आने वाले दिनों में रहेंगी। ये भूमि विवाद के लिए जो हमारे समाधान दिवस हैं, तहसील दिवस हैं, उनको और प्रभावी रूप से बनाया जाएगा और
प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। प्रयास रहेगा कि टीमें त्वरित प्रभाव से मौके पर जाएं और जो न्याय संगत कार्रवाई है वो करें। साथ ही साथ जो भूमि विवाद पुराने समय से चले आ रहे हैं उनको चिन्हित करके उसमें जो भी कार्रवाई वर्तमान परिदृश्य में संभव है वो समय से की जाए और सभी पक्षों को निष्पक्ष रूप से पारदर्शी रूप से पुलिस सेवा दी जाए, इस प्रकार से हम प्रयास करेंगे। ये प्रयास रहेगा पुलिस का व्यवहार जनता से अच्छा रहे और सामंजस्य बने रहे। आम जन जो है थाने पर पुलिस को अपनी बात बताने में कतराएं नहीं, चाहे वो कोई भी वर्ग के हों, और पुलिस का व्यवहार सबसे अच्छा रहे इसको पूर्ण सुनिश्चित किया जाएगा। महिला संबंधित अपराधों को लेकर पुलिस प्राथमिकता पर काम करेगी। इसमें हमारी महिला हेल्प डेस्क और प्रभावी बनाई जाएंगी। जो पिंक चौकियाँ बनी है, महिला थाना है, इसको प्रभावी किया जाएगा। प्रयास किया जाएगा कि IGRS में आने वाले प्रार्थना पत्रों को और गंभीरता से महिला अपराध के बारे में देखा जाए। जो ऑनलाइन FIR होती हैं, जो ऑनलाइन शिकायतें आती हैं उनको देखा जाए। जो महिला उत्पीड़न की शिकायतें आती हैं उनको प्रभावी रूप से परिवारों को आपस में बिठाकर उसमें बातचीत की जाए, जिससे कि बिना मुकदमे के भी महिलाओं की समस्याओं का समाधान किया जा सके और जहाँ मुकदमे की आवश्यकता है तत्काल मुकदमा कर उसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी।